टिप नंबर टू पे जाते हैं, अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि इसका जो एक स्पॉइलर है पीछे रूफ के ऊपर स्पॉइलर लगा हुआ है, वो एक हाई स्पीड पे तो निकल आता है, लेकिन अगर आपने उसको साफ करना है, बारिश हुई है, मिट्टी थी, आपने गाड़ी को साफ करना है, तो उसके लिए आप उसको मैनुअली भी हटा सकते हैं। तो उसके लिए आप दोबारा गाड़ी की सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स के अंदर आप व्हीकल सेटिंग्स में गए और यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज होगी स्पॉइलर मैनुअल क्लीनिंग पोजीशन। इसको आप दबाएंगे, जब इसको दबाएंगे तो स्पॉइलर ऑटोमेटिकली निकल आएगा। आपने सफाई कर ली, उसके बाद आपने इसको हटाना है। जब आप इस बटन को दोबारा दबाएंगे तो आपको पूछेगा कि आपका हाथ इसके करीब तो नहीं है, देन यू प्रेस इट रिट्रैक्ट को और वो रिट्रैक्ट होकर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। एक चीज मैं तमाम टाइकन ओनर से पता करना चाहता हूँ, मैं दो गाड़ियां जो है मेरे पास है, मैंने दोनों के साथ एक ही प्रॉब्लम फेस किया कि जब मैं इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करता हूँ फोन से, ये थोड़ी देर बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है। एज अपोज टू अगर मैं वाइड कनेक्शन के साथ एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कार प्ले चलाऊँ तो वो चलता रहता है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपकी गाड़ी भी ये करती है कि मेरे वाले पीछे को मसला।